अब मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे जो बाबू भैया जी हैं हमें लेके जा रहे हैं ऋषिकेश। What's up everyone, welcome back to the channel and in another vlog. So, आप लोग को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं मिलने जा रहा हूँ अपने बड़े भैया और आप सबके बाबू भैया UK07 राइडर। सो मैं देहरादून बहुत ही कम दिन के लिए हूँ एंड मैंने सोचा नहीं था कि हम दोनों मिलेंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते नहीं थे एक दूसरे को, मतलब जानते तो थे बट कभी बात नहीं किया। तो बेचारे वो बाबू भैया हमारे बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, उन्होंने बोला कि आकाश आप देहरादून आए हो मिलते हैं करके, तो मैंने बोला क्यों नहीं, जरूर बाबू भैया जी। तो अभी बज रहे 1:34, वो लगभग मे बी 2 बजे तक आ जाएंगे मुझे लेने के लिए एंड ऑब्वियसली आएंगे अपने बाइक में। एंड मैं लाइफ में कभी बाइक में बैठा नहीं, मतलब बैठा हूँ थोड़ी कम रफ्तार वाली में, बट उनकी जो बाइक है वो घोड़े की रफ्तार भागती है, तो उसकी भी थोड़ी सी मेरे को डर है। बाकी कोई नहीं, एक्सपीरियंस करेंगे, उनसे मिलेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके सो गाइस, हमारी जो दीदी है पैक कर रही है मेरे लिए, बिकॉज मैं कल जा रहा हूँ मुंबई। दीदी लोग जो है वो थोड़ा सा टाइम रुक के आएंगे। वर्षा दीदी है, उसका 12th को बर्थडे है। बहुत बुरा लग रहा है इसका बिना बर्थडे मनाए जाना पड़ रहा है, बिकॉज काम है ना उधर, है ना दीदी। बोल रही ये महंगे वाले बैग में ले जा, नहीं लेके जाना मेरे को, ये वाला लेके जाना है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि मैं ऐसे करके चल सकता हूँ, उसमें उस पे घसीटना पड़ता है। नो, इसका सामान इतना ज्यादा है इसमें आएगा भी नहीं। तो ये वैसे भी आने वाले हैं ना मुंबई, तो बैग लेके आओगे तो उसमें थोड़ा बहुत मेरे सामान भी रख के आ जाना ना। ऑलराइट गाइस, तो मैं निकल चुका हूँ एंड मैंने उनको अपने घर पे नहीं बुलाया, बिकॉज वो बोल रहे थे कि मैं घर पे आ रहा हूँ लेने के लिए, बट मैंने बोला कि नहीं आप एक काम करो, वो जो पुल है उधर आ जाओ, बिकॉज इधर जो है इतने बड़े बड़े ब्रेकर्स है और उनकी जो गाड़ी है वो शायद में भी ठुक सकती है। तो मैंने बोला एक काम करो आप उधर ही आ जाओ। हमारे बाबू भैया इस है, अरे आप तो भाई कार में आए हो, मेरे को लगा बाइक में आओगे। अच्छा, मेरे को लगा बाइक पे आओगे, मैं तो फुल घर पे, मैं घर पे बिठा था, मेरे को लगा क्योंकि हमारे घर के वहाँ पर वो है ना ब्रेकर है तो फिर उसमें आपकी गाड़ी लग सकती थी, ऐसा मेरे को आया दिमाग में। बाइक पहुंची नहीं आकाश भाई, कल पहुंचेगी भाई। अच्छा अच्छा, मैं आगे बैठ रहा हूँ। हम आ चुके हैं हमारे बाबू भैया के घर पे एंड देयर इज हीरो हीरोइन अजय देवगन एंड क्या बात है यार। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, कैसे हो आप? तुम तो गले मिल रहे हो यार, मजा आ गया। अजय देवगन लग रहे हो फुल एकदम, जैकेट वैकेट पहन के। बहुत सारे बच्चे तुम्हें बहुत पहले से जानते थे और अब मुझे याद आ रहा है लगभग 2-3 साल पहले उन्होंने तुम्हें फोटो वगैरह खींचाई थी, अब आ गया, अब याद आ गया, अब याद आ गया। एक बार शायद तुम हमारे स्कूल आए थे। स्कूल में तो बहुत सारे स्कूल में गए हूँ, मेरे को याद नहीं पता वैसे। अरे आंटी को बेचारे मन कर रहा है खाना खाने पहले कुछ, फिर बात करेंगे। मतलब यार इतनी खातिरदारी है क्या? तुम तो यार ऐसा बोलो कि मैं मुंबई जाऊँ नहीं, मतलब यही रह जाऊँ आपके साथ। अरे टीवी वाले घर की बात नहीं है, मतलब यार आप देहरादून की हो। आंटी इधर आओ, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड दिस गाय 5 बजे खाने आ रहे हैं। आप इधर आओ, आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब यार अभी खाना खाया भी नहीं, बट मतलब स्मेल से मेरे को ऐसा हो गया यार क्या मस्त बना होगा, राजा बना है भाई आंटी ने यार। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने लोग सबको बोलता हूँ, जो घर का राजमा चावल खाते ना वही बोलते हैं बेस्ट राजमा चावल है, बेस्ट। तो फिर एक डब्बे में पैक कर दो, घर के लिए लेके जा रहा हूँ मैं। माँ के हाथ का राजमा चावल है ऐसा थोड़ी, क्या खाना बनाया, मतलब मजा आ गया यार। सही में मैं अभी मुंबई से आया हूँ तो 1 हफ्ता हो गया, तो मेरी मम्मी के हाथ का राजमा चावल मिला नहीं था तो आंटी ने खिलाया भाई, मजा सा आ गया। थैंक यू सो मच, बहुत टेस्टी बनाया आपने। हाँ, आपको इनके व्लॉग अच्छे लगते हैं? अच्छा, मेरे भी देख लो थोड़ा। So guys, हमारे जो बाबू भैया जी हैं हमें लेके जा रहे हैं ऋषिकेश। मैं इसे मत गोलगप्पे खिलाने वाला हूँ, गोलगप्पे खाते हो काश? गोलगप्पे नहीं, मैंने काफी टाइम से खाए नहीं, खाता तो फिर यू विल लव। ओके, मजा आएगा। बाकी यार मन सा नहीं कर रहा है अंकल आंटी को छोड़ने में, बाय बाय। ऑलराइट गाइस, अभी हम हैं ऋषिकेश के स्ट्रीट में बाबू भैया के साथ, फुल एकदम बाबू भैया फुल मजेदार, हमने इतनी सारी बातें की एंड ये बंदा लिटरली डाउन टू अर्थ का बोलते ना उसका भी पापा है यार ये तो, मतलब इतना डाउन टू अर्थ एंड फुल। अभी अभी घुमा रहे हैं आकाश को, हम लोग गोलगप्पे खिला रहे गाइस। ओके, बहुत टाइम लगा था भैया गोलगप्पे खाने। हाँ, तो आएगा भाई बाबू भैया आपको गोलगप्पे खिलाते हैं, मतलब दोनों फुल घूम के आए हैं एंड मजा आ गया भाई आकाश को, मजा आया मेरे को। पास गाइस 2-3 दिन और रुकता ना मैं इसे और घुमाता, बट ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे है, कल ये भी मुंबई निकल रहा है और हम भी मुंबई भाई। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अनदर डे सेम व्लॉग। सो कल जैसे कि आप लोगों ने देखा हमने बहुत ही मस्ती की, लिटरली वो बंदा बहुत ही डाउन टू अर्थ है, उनसे मिलके उनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बाकी आज मेरा देहरादून में लास्ट दिन है, आज मैं जाने वाला हूँ वापस से मुंबई, थोड़ी देर में मैं निकलने वाला हूँ, मैंने खाना खाया नहीं है सो यहाँ पर राजमा चावल रेडी है, सो मैं इसको खाता हूँ फिर देन उसके बाद मेरा टैक्सी भी आने वाला है। ओके सो गाइस, मैंने बोर्डिंग ले लिया, अभी 1-2 घंटे के बाद हमारी फ्लाइट है। सो गाइस, अभी मैं बैठ चुका हूँ, यहाँ से मतलब लगभग 2-3 घंटे लगेंगे, फिर उसके बाद आई एम इन मुंबई। ओके सो गाइस, हम आ चुके हैं मुंबई एंड अभी सीधा डायरेक्ट घर जाऊंगा, बिकॉज बहुत थक चुका हूँ, आई डोंट नो व्हाई, 2 घंटे का ही सफर था बट बहुत थक चुका हूँ, बस जाके मम्मी पापा से मिलना है।
ओके सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ। मेरे को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है गया हुआ, फिर वापस आ गया हूँ मैं। पता नहीं ऐसा लग रहा है एक महीने बाद वापस आया हूँ। कैसी मेरी माँ? पापा गए? मैं भी बहुत मिस करी। पापा ड्यूटी गए। मम्मी भी मुझे मिस कर रही, बाकी दीदी लोग तो आई नहीं। जो सबसे ज्यादा जिसको सबसे ज्यादा दीदी लोग को मिस कर रही थी वो आई नहीं। ऐसा नहीं है। चलो भाई इसको भी मिस करी थी। चलो भाई अभी आ गया हूँ, चलो खाना खिला। बढ़िया बढ़िया, दीदी का खाना खा खा के बोर हो गया अभी। रात का मजाक कर रहा हूँ, नहीं यार दीदी देखे मारेगी। सो गाइस मैं मुंबई आ चुका हूँ एंड मुंबई आके मेरा फायदा और घाटा दोनों हुआ। बिकॉज घाटा इसीलिए हुआ बिकॉज जो मेरी दीदी है वर्षा दीदी, उसका मैंने बर्थडे मिस कर दिया बिकॉज उसका 12th को बर्थडे था एंड मैं वो बिना सेलिब्रेट किए आ गया। एंड फायदा इसलिए हुआ क्योंकि आज और कल मेरा शूट है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट शूट है। एंड आज का जो शूट है वो अवेश भाई एंड नगमा दी का है। मैं एज ऑलवेज लेट नहीं होना चाहता तो मैं फटफट से रेडी हो जाता हूँ। एक हफ्ते के बाद मुंबई आया हूँ, तू सबसे पहला होगा जिससे मैं मिला हूँ, पता है दोस्तों में। मम्मी पापा के बाद तो मतलब लाइक दोस्त में तू ही है जिससे सबसे। मत बोल, भाग उधर, जहाँ पर मैं वहीं पर ये जहाँ पर मैं साथ। क्या इन लोगों ने मेरे को बुलाया? मैंने बोला कि योगेश भी है मेरा दोस्त, उसको भी बुला लो तो इसको बुलाया। ओके सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं। हम मतलब कि सिर्फ मैं ही रेडी हुआ बिकॉज इसके पास क्या है कुर्ता पजामा, मतलब थीम जो है प्रमोशन का उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल पहनना है। हमारे सर के पास थोड़ा मुझे बोल देता मैं ला देता। सॉरी मेरे पास भी एक ही था और ये मैंने ऑलरेडी पहन चुका है। मैंने भी ये शर्ट पहन चुका है तो मैंने वही बोल रहा हूँ। पहली बार लग रहा है कि दोनों ने सेम पहना, नहीं तो पहनते नहीं है। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मैंने ये पहन लिया ऑलरेडी बाकी वाले गाने में, तो तू ये पहन ले मेरे को ये। हाँ ठीक है तू ये पहन के रख, अच्छा लग रहा है। गाली दूँ एक तेरे को प्लीज? पागल है क्या यार, दो दे। सो हम रेडी हो चुके हैं, ये भी रेडी हो ही रहा है, इसको भी मतलब बोल दिया कि तू पहन सकता है ये। सो हम रेडी हो चुके हैं। क्या ठंड तो नहीं लग रही? कौन सा स्टाइल है? जो चीज जिंदगी में नहीं आती वो तो करना ही है हम दोनों को भाई। इसने बोला भाई चेस खेलते, मैंने बोला पागल है क्या, आता नहीं दोनों को? तो बोलता दिखाने में क्या जाता है, जो भी लोग आ रहे हैं जो लोग भी आ रहे हैं वहाँ से वो देखेंगे अरे शतरंज खेल रहे हैं पता नहीं, बट शतरंज की चाल तो हमने चली हम दोनों ने। खेल के दिखा दे कोई एक एक चीज बता दे, एक क्या है इसमें से? ये घोड़ा है। ये घोड़ा है, अरे अपने आप को तो अच्छे से जानता है। नहीं वो गधा नहीं, गधा नहीं है ना इसमें, ये प्यादा है जो तू है। घोड़े और प्यादे में फर्क होता है, मैं तेरे को ऐसे करके यूं लुढ़का सकता हूं। ओके सो गाइस हमने शूट किया एंड बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड इनका सॉन्ग मतलब लिटरली बहुत ही मजा आ गया उसको डांस करके। थैंक यू सो मच नगमा दी, थैंक यू सो मच अवेश भाई। चलो मिलते, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू टू। अभी से फ्यूचर के म्यूजिक वीडियो में फाड़ते रहना। ओके चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय बाय।